प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने बाली के दौरे पर हैं। आज G20 में 3 खास सत्र होने हैं, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन। ये 3 सत्र, 2 सत्र इनके पूरे हो चुके हैं और पीएम मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मुलाकात कर चुके हैं। ये समिट भारत के लिए खास माना जा रहा है। 45 घंटे के इंडोनेशियाई दौरे पर पहुंचे पीएम 20 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दुनिया के 10 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स के साथ द्विपक्षीय मुलाकात का भी कार्यक्रम है। ये सभी मुलाकातें कल होने वाली हैं। प्रधानमंत्री आज शाम भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी सीधे बाली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं G20 पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्वेता, आज का दिन भर का क्या कार्यक्रम रहने वाला है और अब तक कौन कौन सी मुलाकातें और कार्यक्रम हो चुके हैं? देखिए, अब प्रधानमंत्री का जो दूसरा एंगेजमेंट है वो भी चल रहा है इस समय, जो G20 की दूसरी बैठक है जो हेल्थ पर है, जो स्वास्थ्य पर है। और यहाँ पर यह भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम चल रहा है वो शुरू हो चुका है और स्टेज पर अलग अलग तरह के जो कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं वो इस समय चल रहे हैं और मंच पर एक एक करके इंडोनेशियन, भारतीय, ये सारे परफॉर्मेंसेज चल रहे हैं। वहां पर आवाज ज्यादा है नेहा, इसीलिए मैं आपको यहां से जहां पर एक एक करके परफॉर्मेंसेस खत्म कर करके लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जब आ जाएंगे तो सीधे तौर पर उनका वो एड्रेस करेंगे पूरे समूह को यहां पर, जो भारतीय यहां पर मौजूद हैं, और उसके बाद फिर यहां से निकलेंगे। आज का दिन का समापन उनके लिए यहां से होगा। हाँ, एक डिनर भी है जो सारे वर्ल्ड लीडर्स का शेड्यूल्ड है जो कि इस समय यहां पर है, जो सब परफॉर्म करके आए हैं। और बड़ी कविताएं आप कह रहे थे मंच से भी, ये सब प्रधानमंत्री के स्वागत में दिल से निकलते हैं। बिल्कुल, ये दिल से सब लोग ऐसा जोश है समय कि हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए ये गीत संगीत न सिर्फ भारतीय कल्चर बल्कि इंडोनेशियन भी, उनका बड़ा अच्छा संगम। यस यस, हमें ज्यादा अच्छा लगता है कि जब इंडोनेशियन लोग संस्कृत में हमसे बात करते हैं। हमें जो संस्कृत सिखाए थे वो भी इंडोनेशियन गुरु हैं और उन्होंने संस्कृत सिखाई, और दूसरा हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो डांसेस हैं वो इंडोनेशियन लड़कियों ने किए, तो बहुत अच्छा लगा। अभी ये हिंदुस्तानी गाना भी इंडोनेशियन, प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म नहीं किया लेकिन उनके आने की प्रतीक्षा है। बहुत प्रतीक्षा है हम लोगों को और हमको बहुत इच्छा थी कि हम उनके सामने अपना परफॉर्मेंस दे पाए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मिलने का मन है बहुत, मिलने की बहुत इच्छा है। अगर मिलना हो जाए प्रधानमंत्री जी से तो बड़ी। देखिए, अभी जब तक प्रधानमंत्री आते हैं और भारतीय समुदाय का, ये देखिए यहाँ पर एक फुल हाउस है नेहा, इस समय आपको अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। जितने लोग बाली में रहते हैं, न सिर्फ बाली बल्कि जकार्ता से दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, तो ये सारे लोग यहाँ पर इस प्रतीक्षा में। लेकिन प्रधानमंत्री G20 की अपनी व्यस्तताओं को समाप्त करके उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ के समय के अनुसार 5 बजे, यानी कि लगभग 1.25 घंटा इस समय से लगा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।